आईपीएल का 25वां मैच आरसीबी और मुंबई के बीच खेला गया। इस मैच में मुंबई की टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला लिया। आरसीबी के लिए विराट कोहली और फाफ डुप्लेसिस ने पारी की शुरुआत करी। डुप्लेसिस ने इस मैच में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया। डुप्लेसिस ने 40 गेंदों में 3 छक्कों की मदद से 61 रन की पारी खेली। इसके बाद आरसीबी के लिए रजत पाटीदार ने भी 26 बॉलों में 50 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। इन दोनों के बाद में दिनेश कार्तिक ने भी इस मैच में फिनिशर की भूमिका निभाई। कार्तिक ने 30 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। और कार्तिक की इसी पारी के चलते आरसीबी टीम ने 20 ओवर में 196 रन बनाए। मुंबई के लिए पहली पारी में जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में 21 रन देकर 5 विकेट झटके। आगे के मैच के बारे में बात करूं, उससे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको एक छोटे से वीडियो के माध्यम से ही आईपीएल के पूरे मैच की जानकारी मिल सकती है, और आपको सभी आईपीएल मैचों की जानकारी सबसे पहले और बिल्कुल सही मिलेगी। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा। तो अभी जाकर के हमारे चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे कि आपको आईपीएल के सभी मैचों की जानकारी सबसे पहले मिल सके। मुंबई के लिए पारी की शुरुआत करें मैदान पर आए रोहित शर्मा और ईशान किशन। दोनों ने इस मैच में बहुत ही कमाल का खेल दिखाया। ईशान किशन ने इस मैच में 34 बॉलों में 69 रन की पारी खेली और किशन की इस पारी में 5 छक्के शामिल थे। इसके साथ ही रोहित शर्मा ने भी 24 बॉलों में 3 छक्के और 3 चौकों की मदद से 38 रनों की पारी खेली। इन दोनों के बाद में सूर्य कुमार यादव ने भी इस मैच में कमाल का खेल दिखाया और यादव ने 19 बॉलों में 52 रन की पारी खेली, जिसमें 4 छक्के शामिल थे। और इन तीनों की पारी चलते मुंबई की टीम ने यह लक्ष्य 4 ओवर पहले हासिल कर लिया और मुंबई ने यह मैच 7 विकेट से नाम कर लिया। मुंबई की ओर से बुमराह ने इस मैच में 5 विकेट झटके, जिसके लिए बुमराह को मैन ऑफ द मैच चुना गया। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो लाइक करें और चैनल को शेयर कर दें।